नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा सिटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मुंबई के चेंबूर केम इलाके में मनाया गया गणेश विसर्जन उत्सव। मुंबई के चेंबूर केम में सार्वजनिक माघी गणेश उत्सव मंडल का 3 दिवसीय भगवान गणेश के विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह गणेश उत्सव माघ महीने में चेंबूरचा मोरिया के नाम से मनाया जाता है। इस विसर्जन के अवसर पर भारी संख्या में महिला पुरुष और बच्चे गणेश की भक्ति में झूमते नजर आए। चेंबूर इलाके में चेंबूर कैंप का इलाका है, देख सकते हैं आप, काफी झूमते हुए मस्ती में नजर आ रहे हैं, काफी झूमते हुए लोग नजर आ रहे हैं। या महिलाओं और पुरुषों की बात करें तो काफी संख्या में इस विसर्जन के दौरान काफी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, झूमते हुए नजर आ रहे हैं इस माँ की गणपति के विसर्जन का। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान रखता है, जहाँ इस इलाके में वही माघी गणेश उत्सव के अवसर पर तमाम जो कार्यकर्तागण हैं या सार्वजनिक गणेश उत्सव माघी गणेश उत्सव मित्र मंडल के, वो हमारे बीच मौजूद हैं। क्या कुछ कहना है, कितने दिनों से मनाया जाता है, इस बारे में हम जानकारी हासिल करना चाहेंगे। सर बताइए, लगभग कितने दिनों से मनाया जाता है? सर ये त्यौहार की तैयारी करीबन हम 1.25 महीने से कर रहे हैं। दिसंबर एंड में हमारा गणेश जी का जो मुहूर्त है वो बनना चालू हुआ, उसके बाद हमारी तैयारियाँ चालू हुई और ये हमारा 7वां साल है ये साल इस उत्सव को मनाते मनाते। तो ये कहा जाता है कि ये इच्छा पूर्ति गणेशा होता है, तो उस हिसाब से हमने चालू किया था। आज हमें 7वां साल ख़त्म हुआ है, दिसंबर से हमारी तैयारियां चालू होती है
इस साल 24 तारीख जनवरी को हमने आगमन किया गणपति बप्पा का बहुत ज़ोर शोर से, क्योंकि 3 साल के बाद हमें कोविड के बाद अभी ये सब चीज़ों का परमिशन मिला, तो गणपति बप्पा काफ़ी धूमधाम से आए। फिर 25 तारीख को उनकी जयंती थी, जो माघी गणेश जयंती एक्चुअली बोला जाता है, जो उनका जन्म उत्सव है। तो गणेश जी के जन्म उत्सव के दिन पे हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम रखे थे, जैसे कि माता की चौकी रखी थी और केक कटिंग सेरेमनी रखी थी। फिर कल पब्लिक के लिए विशाल लंगर रखा गया था। आज जैसे अभी पुलिस की सहायता से और हमारे कार्यकर्ताओं की सहायता से आज हमने विसर्जन यात्रा का अभी आरंभ किया है। अब यहाँ पे चरई तालाब पे इनका विसर्जन किया जाएगा और बस इतना ही है। कितने दिनों का होता है ये? 3 दिन का हम रखते हैं, कोई 5 दिन का रखता है, कोई हफ्ते का रखता है, कोई जिसकी जैसी श्रद्धा। ये कहा जाए जो गणेश उत्सव एक कुछ खास इलाकों में होता है, तो इस इलाके का नाम क्या है? जहाँ इस इलाके का चेंबूर कैम्प नाम है और यहाँ हर साल यहाँ पर गणपति बैठता है, करीबन 7 साल से बैठा रहा है। नहीं तो गणेश उत्सव मनाने में कई तरह का जो चंदा भी लिया जाता है, तो कहाँ कहाँ से आप इकट्ठा कर रहे हैं? तो बहुत ही कम लेते हैं, हमारे दोस्त लोग ही मिल बांट के सब अरेंज कर लेते हैं। आज दिन पब्लिक के लिए चंदा मांगा नहीं है, लंगर रखते हैं, 3 दिन कंटिन्यूस लंगर होता है, सब खाके जाते हैं। चंदा मोस्टली अवॉइड ही करते हैं हम दोस्त लोग ही, सब जितना हो सकता है सबसे सब निकाल के कॉन्ट्रीब्यूशन में करते हैं। एक और सवाल, गणेश उत्सव 2 बार मनाया जाता है इस मुंबई में, कहा जाए बर्थडे है और वो आज विशेष क्या है? उनका जन्मदिन था, वही मना रहे, वही खुशियां मनाई जाती है। 25 जनवरी को माघी गणेश बोलते हैं, 25 जनवरी को उनकी जयंती मनाई जाती है, उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। अब भगवान तो अमर है, बट कहा जाता है कि ये दिन पे उनका जन्म उत्सव मनाया जाता था, तो इसलिए ये माघी गणेश उत्सव की स्थापना की थी। पहले आज से करीबन 7-8 साल पहले ये घर गृहति लेवल पे ही था, बट अभी काफ़ी सारे मंडलों ने रखना चालू किया है। हमारा भी ये 7वां साल है ये मंडल का, हमारा मंडल चेंबूचा मोरिया 7 साल से माघी गणेश उत्सव मना रहा है और इसी तरह हम पब्लिक की सेवा में लगे रहते हैं, हम अपने लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। इस उत्सव के साए हमारे एरिया के लोगों को बड़ी खुशी मिलती है, सब एक साथ जमा होते हैं, खुशियां बांटते हैं एक दूसरे से, खाना बांटते हैं, हम खाना वाना कराते हैं सबके लिए, तो उनके आशीर्वाद से काफ़ी अच्छा चल रहा है 7 साल से हमारे। तो विसर्जन में क्या, किस तरीके का इंतजाम? विसर्जन में हमारा जो हमारा साथ देते हैं चेंबूर पुलिस चौकी, और उसके बाद हम धूमधाम से लेके जाते हैं इतना पूरा गली में घुमा के, और उसके बाद हम आपको दिखाना चाहते हैं हमारा गणपति, देख लीजिए आप आके, और यहाँ पे आप उनका दर्शन कर सकते हैं, ये हमारा गणपति है। गणपति बप्पा पुलिस चौकी का बहुत सहायक है हमें, चेंबूर पुलिस चौकी का और हमारे चेंबूर RTO विभाग का बहुत हमको सहयोग है, और हमारे यहाँ के कॉरपोरेटर जी का भी काफ़ी सहयोग है, उन्होंने रास्ता बनवाना रुकवाया था, उसके हिसाब से हमें काफ़ी मदद मिली है, और सबसे विशेष शुक्रिया हमारे चेंबूर पुलिस स्टेशन का, जिन्होंने हमें काफ़ी सहायक किए हर साल। तो उस हिसाब से बस ये अभी विसर्जन का प्रोसेशन निकला हुआ है, अब ये 3 तलाव पे जाके समाप्त होगा। तो आपने देखा ये खास जोश दिखाई दिया इन लोगों में, जो कि आज 3 दिवसीय गणपति उत्सव का विसर्जन किया जा रहा है इनके द्वारा, बड़े ही हर्षोल्लास से विसर्जन का कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं हम आपको बताएं करीब सैकड़ों की संख्या में इस विसर्जन कार्यक्रम के दौरान महिलाएं और पुरुष मौजूद रहकर माघी गणपति को जो है विदा कर रहे हैं। यह नज़ारा है रहा चेंबूर कैंप, यानी मुंबई के चेंबूर कैंप का यह इलाका रहा, जहां सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष इकट्ठा होकर गणपति का कहा जाए 3 दिवसीय गणपति के विसर्जन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़ मुंबई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हमारा सिटी न्यूज़।